इसरो के चंद्रयान 2 के प्रज्ञान रोवर ने एक सबसे महत्वपूर्ण खोज को अंजाम दिया है, जिसके बाद इस बात को लेकर के पूरे विश्व में, पूरे स्पेस एजेंसी में एक बार फिर से खुशी की लहर दौड़ चुकी है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि चंद्रयान 2 के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर एक ऐसी खोज की है जिसके बाद चंद्रमा के सतह के अंदर की गुत्थी पूरी तरीके से सुलझ गई है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि चंद्रमा की सतह के अंदर 13 किलोमीटर लंबा सुरंग खोजा गया है। जी हाँ, अभी की अब बता दूं आपको कि आज तक की किसी भी ग्रह या उपग्रह पर यह सबसे लंबी सुरंग खोजी गई है। देखिए, किसी भी चीज को अगर हमें एक्सप्लोर करना होता है तो उसके अंदर जाना होता है। उसी प्रकार से इसरो ने भी यह वीडियो जारी करते हुए दिखाया है कि 13 किलोमीटर लंबा सुरंग कैसा दिखता है। आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक। दोस्तों, हम आपको बता दें कि किसी भी ग्रह को खोजने के लिए, उसके अंदर के मटेरियल को जानने के लिए हमें उसमें ड्रिलिंग करना पड़ता है, यानी कि उस ग्रह या उपग्रह के अंदर खोदना पड़ता है और जाना पड़ता है। लेकिन चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की सतह पर एक ऐसा पहले से ही निर्मित सुरंग खोज लिया है जो 13 किलोमीटर अंदर गया है। जी हाँ, 13 किलोमीटर अंदर गया है और बेहद चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है। इस सुरंग के आसपास जब चंद्रयान 2 का रोवर प्रज्ञान पहुंचता है तो उसे भी देख करके एक बार आश्चर्य सा प्रतीत होता है। जब वह इस सुरंग को अच्छे से स्कैन करता है तो इसकी चौड़ाई 4 फीट होती है और इसके अंदर जब वह अपनी किरणों को भेजता है तो इसकी किरण 13 किलोमीटर अंदर तक जाती है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि चंद्रमा पर चंद्रयान 2 का रोवर प्रज्ञान जब उस सुरंग के अंदर अपने किरणों को भेजता है यह नापने के लिए कि आखिर इसकी लंबाई कितनी है, इसकी कितनी गहराई है, तो जानकर आश्चर्य होगा कि 13 किलोमीटर तक जाने के बाद ही उसकी किरणें रुकी थी। 13 किलोमीटर दूर जाकर के उसकी किरणें किसी ऑब्जेक्ट से टकराई थी और इसके बाद वो रिफ्लेक्ट हुई थी। तो 13 किलोमीटर के गहराई वाला सुरंग चंद्रमा की सतह का एक एक पुर्जा खोल कर रख देगा। जब यह खोज सामने आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो को बहुत ही बधाई दी और साथ ही साथ यह भी कहा है कि चंद्रमा पर ही नहीं, ब्रह्मांड में भी किसी भी सुरंग को इतने अंदर तक नहीं खोजा गया है।